गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3, तो उसमें हम जनरल एंट्री पढ़ रहे थे जो पेमेंट के टाइम पे की जाती है रिटायरिंग या रिटायरिंग पार्टनर को, जब हम पेमेंट करते हैं उसका फुल पेमेंट, उसके रिगार्डिंग कुछ मेथड थी वो मेथड पढ़ी हमने, उसकी जो जनरल एंट्री थी वो भी पढ़ ली। लास्ट मेथड वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। पेमेंट ऑफ अमाउंट टू रिटायरिंग और डेथ ऑफ ए पार्टनर, पेमेंट बाय एन्यूटी मेथड, लास्ट मेथड है पेमेंट बाय एन्यूटी मेथड। तो इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दी थी कि इसमें जो है सारा अमाउंट एक एन्यूटी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर हर साल इंटरेस्ट दिया जाता है, और फिर फिक्स अमाउंट जो भी होता है, ठीक है, हर मंथ या हर ईयर एन्यूटी के रूप में हर साल जो है फिक्स अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को मिलता रहता है। कब तक? जब तक वो जिंदा रहता है तब तक, ठीक है, जब तक वो जीवित रहेगा जब तक उसको हर साल फिक्स्ड अमाउंट मिलता रहेगा। जैसे अगर हमने 10,000 किया है तो हर साल 10,000 उसको मिलता रहेगा, 5,000, 6,000 जो भी है वो हर साल उसको फिक्स मिलता रहेगा, ठीक है। चाहे उसके पेमेंट जो था वो कुछ कितना भी हो, उससे ज़्यादा हो या कम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो कितना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले इस मेथड के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। एन्यूटी इज पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर और डिकीज पार्टनर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, जो पार्टनर रिटायर हुआ है या जो जिसकी डेथ हुई है उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको मिलेगी एन्यूटी। द टोटल क्लेम इज ट्रांसफर टू एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट और एन्यूटी अकाउंट। जो हम रिटायरिंग पार्टनर होगा, जो उसकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा, उस सारे बैलेंस को हम एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट या एन्यूटी अकाउंट के नाम से एक अकाउंट बना के उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट या एन्यूटी अकाउंट, उस नाम का एक अकाउंट बनाएंगे और उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे सारा बैलेंस अकाउंट का जो भी है। द इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट ऑन द अनपेड बैलेंस इज क्रेडिटेड। उसका जो बैलेंस रहेगा एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट का हर साल, क्योंकि हम पेमेंट करेंगे वो माइनस करते रहेंगे उसमें से, तो उसका जो बैलेंस रहेगा उसके ऊपर हर साल सर्टेन रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, एक इंटरेस्ट उसमें क्रेडिट होता रहेगा, ठीक है। एंड पेमेंट आर डेबिटेड, और उससे जो हम पेमेंट करेंगे, जो भी इंस्टॉलमेंट हम पेमेंट करेंगे वो उससे क्या होगी, डेबिट होती रहेगी। तो इंटरेस्ट तो उसमें क्रेडिट होगा, जैसे 5% 10% जो भी है रेट से, और जो इंस्टॉलमेंट है 5,000 या 6,000 पर ईयरली, जैसे मैंने अभी बताया था 10,000, तो वो 10,000 हर साल इंस्टॉलमेंट वाले माइनस होते रहेंगे, वो होंगे एन्यूटी पेमेंट डेबिटेड, और उसके ऊपर इंटरेस्ट प्लस होता रहेगा उसमें, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो पार्टनर क्या रहे कि पूरी अमाउंट ख़त्म होने से पहले ही मर जाए। जैसे मैंने आपको बताया था रिटायरिंग पार्टनर की जो अकाउंट का बैलेंस है वो 1,20,000 है, हम उसको हर साल 10,000 रुपये देंगे, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगा रहे हैं, हम इंटरेस्ट भी जोड़ते रहेंगे, लेकिन वो कुछ मान लो 5 साल बाद ही मर गया, ठीक है, तो जो बचे हुए पैसे होंगे 5 ईयर के बाद वो मर गया, तो हमने 10,000 पर ईयर यानी कि 50,000 रुपीज़ हमने उसको दे दिए। बाकी जो बैलेंस बचेगा वो क्या करेंगे, बाकी के पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट में बांट लेंगे, ठीक है, अपने रेशियो में जो होगा उसमें बांट लेंगे क्या, बाकी का बैलेंस। तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो पार्टनर पहले मर जाए, सारा अमाउंट ख़त्म होने से पहले मर जाए, या ख़त्म होने के बाद भी जिंदा रहे। तो कभी कभी क्या होगा, जैसे ये पैसा ख़त्म हो गया, मान लो 20 साल तक जिंदा रहा और ये पैसा ख़त्म हो गया, अब उसको और पैसा देना है, तो फिर क्या हम करेंगे, हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, यानी कि जो साल भर का प्रॉफिट होगा उसमें से हर साल उसको पेमेंट करेंगे, और उसको चार्ज किया जाएगा P&L अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया जाएगा, ठीक है। यानी कि एन्यूटी की अमाउंट किससे चार्ज होगी, P&L अकाउंट से। किस कंडीशन में, जब एन्यूटी का सारा बैलेंस ख़त्म होने के बाद भी पार्टनर जिंदा रहे तो, और अगर पार्टनर पहले मर जाता है तो जो बैलेंस होगा, जो बचा हुआ पैसा होगा, वो ओल्ड पार्टनर यानी रिमेनिंग पार्टनर होंगे, इसके अलावा जो पार्टनर है वो बांट लेंगे अपने रेशियो में। अब हम पढ़ते हैं इसकी जनरल एंट्री। तो ये हमने पढ़ लिया एन्यूटी मेथड क्या होती है, अब इसकी हम जनरल एंट्री पढ़ते हैं। फर्स्ट एंट्री है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट बीइंग बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट। यानी कि हमने क्या किया है, जो रिटायर हो रहा पार्टनर उसकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमने ट्रांसफ़र किया एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट में। तो अभी तक हम
पिछले जो मेथड थे उसमें हम लोन में ट्रांसफ़र कर रहे थे, ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाला हुआ या लोन वाला हुआ, तो उसमें हम लिख रहे थे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, यहाँ पे हमने लिख दिया एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट, ओके। फिर सेकंड है इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, क्या ना। अब ये एंट्री तो एक बार ही करनी है हमको, ठीक है, क्योंकि हमने ट्रांसफ़र कर दिया एन्यूटी सस्पेंस। अब सेकंड जो होगी वो इंटरेस्ट ड्यू होने की, तो इंटरेस्ट ड्यू हर साल होगा साल के लास्ट में, तो आपको एंट्री करनी है इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट, यानी कि वो इंटरेस्ट इस एन्यूटी में बढ़ गया है। मैंने कहा ना अभी यहाँ क्रेडिट रेट लिख रखा था, यहाँ क्या लिख रखा, क्रेडिट रेट इंटरेस्ट रेट सर्टेन रेट ऑन अनपेड बैलेंस इज क्रेडिट रेट, तो यहाँ क्रेडिट रेट लिखा हुआ है, तो ये क्या रहेगा एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड है एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट डी आर टू कैश बैंक, उसके बाद यहाँ पे डेबिटेड भी लिखा हुआ था किसके लिए, एन्यूटी पेमेंट।